न्यूज लाइव राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ नेहा कुशवाहा। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। 4 इंटरनेशनल साइबर ठगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। स्टेट साइबर थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 4 इंटरनेशनल साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में नाइजीरिया के 3 युवक और नागालैंड की एक महिला है। पुलिस ने बताया कि चारों साथी ठग हैं। आरोपियों ने काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों से ऑनलाइन ठगी की है, जिसका आंकड़ा करोड़ों रुपए माना जा रहा है। पुलिस ने आरोपियों के पास से भारी मात्रा में ATM, लैपटॉप, इंटरनेट, टॉगल, विदेशी कार्ड, कई मोबाइल बरामद किए गए हैं। आरोपियों ने पूछताछ में बैंक ATM और ऑनलाइन ठगी वारदातों को अंजाम देना कबूला है। साइबर क्राइम थाना पुलिस आरोपियों से पूछताछ करने में जुटी है। दोस्ती गांठ करते ठगी, फेसबुक के जरिए चैट कर खुद को विदेशी नागरिक बताने वाले यह ठग पहले दोस्ती करते हैं, जिसके बाद खुद को बड़ा बिजनेसमैन होना बताकर अपनी बातों के जाल में फंसाते हैं, जिसके बाद व्हाट्सएप नंबर के जरिए बातचीत शुरू करते हैं और गिफ्ट के तौर पर एक पार्सल भेजना बताते हैं, जिसके बाद कस्टम अधिकारी बनकर कॉल किया जाता है और पार्सल में विदेशी मुद्रा होने पर मुद्रा ट्रेडिंग का अपराध में जेल भेजने का डर दिखाया जाता है। दूसरी ओर विदेशी दोस्त इंडिया आकर उसे रुपए देने की कहकर मदद करने को कहता। दोनों ओर से गिरकर साथी ठग गिरोह लाखों रुपए बैंक खातों में जमा करा लेते हैं, जिसके बाद मोबाइल नंबर बंद कर देता है। सिकर निवासी एक युवक से की थी 20 लाख की ठगी। आरोपियों ने सिकर के सुरेश कुमार के साथ करीब 20 लाख रुपए की ठगी थी, जहां आरोपियों ने फेसबुक पर दोस्ती कर कस्टम अफसर बनकर विदेशी मुद्रा के पार्सल से मनी लॉन्ड्रिंग के नाम की ठगी की थी, जिसके बाद पीड़ित ने मामला दर्ज करवाया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल करते हुए आरोपियों को दर दबोचा।